हाय, दिस इज शुभी और आप देख रहे हैं ग्लैम अप। लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, इसे यूं ही गवा देने से अच्छा है कि इसके हर पल को एंजॉय किया जाए। और इसीलिए परम सिंह फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय प्रेजेंट में जीना और एंजॉय करना बहुत पसंद करते हैं। उनकी अर्ली लाइफ से हार्ट ब्रेक तक का किस्सा और किस तरह के रोल्स निभाना वो पसंद करते हैं, परम सिंह की लाइफ से जुड़ी ये बातें जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। परम सिंह का जन्म 8 सितंबर 1998 को कानपुर उत्तर प्रदेश की एक मिडिल क्लास सिख फैमिली में हुआ था और उनकी सिस्टर और पेरेंट्स को मिलाकर वो फैमिली में चार लोग हैं। पंचगनी के बिलमौरिया हाई स्कूल से उनकी स्कूलिंग खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन एमएम के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई से की और बाद में वेबस्टर ग्रेजुएट स्कूल ऑफ लंदन से फाइनेंस में एमबीए किया और वहां जाकर उन्हें काफी स्ट्रगल्स भी फेस करने पड़े। दरअसल वो अपनी अर्निंग पर ही पढ़ना चाहते थे, जो कि बहुत टफ बात थी, पर उन 3 सालों ने उन्हें एक नॉर्मल गाय से जेंटलमैन में बदल दिया। दरअसल वहां जाकर परम ने अर्निंग के लिए डिशेस धोने से लेकर बर्गर आउटलेट्स के फ्लोर साफ करने तक, साथ ही पब्स में ड्रिंकर्स की फैलाई हुई गंदगी साफ करने से लेकर ड्रग्स में डूबे हुए रूममेट्स तक के साथ नाइट्स स्पेंड की। बेसिकली उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हर वो काम किया, खुद को इसलिए ड्रिल किया जिससे उन्हें अच्छे से ये समझ आ जाए कि लाइफ कोई केक वॉक नहीं है। अपने बचपन में परम क्लासिक्स मूवी देखने का शौक रखते थे, तभी टॉप गन और टर्मिनेटर मूवीज देखने के दौरान ही उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि उन्हें भी एक्टिंग फील्ड जाना चाहिए। पर बचपन में परम काफी शर्मीले और इंट्रोवर्ट थे। जब वो 8th स्टैंडर्ड में थे तब उनकी स्कूल की हिस्ट्री टीचर ने उन्हें हेलन ऑफ ट्रॉय प्ले में लीड हीरोइन कैरेक्टर प्ले करने के लिए कहा। परम ने जैसे ही हीरोइन का रोल प्ले करने का नाम सुना तो उन्होंने मना कर दिया, जिस पर टीचर ने ये कहा कि नहीं प्ले करोगे तो हिस्ट्री में नंबर नहीं मिलेंगे। ऐसे में जब उन्होंने वो रोल प्ले किया तो उसे काफी पसंद किया गया और काफी बच्चों ने उन्हें चिढ़ाया भी, लेकिन हीरोइन का रोल निभाकर पूरे स्कूल में वो हीरो बन गए। उसके बाद ही उन्होंने स्कूल और कॉलेज में थिएटर करने का डिसीजन लिया और तभी से उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो मूवीज या शोज देखने से ज्यादा परफॉर्म करना ज्यादा पसंद करते हैं और इसीलिए बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से उन्होंने एक्टिंग भी सीखी। पर उनकी गजब की बात ये रही कि परम खुद को टीवी पर देखकर कॉन्शियस हो जाते थे और इसीलिए वो खुद को ऑन स्क्रीन देखना भी पसंद नहीं करते और काफी टाइम से उन्होंने अब टीवी ऑन करना भी बंद कर दिया है। परम की करियर की शुरुआत टीवी शो परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी से हुई थी और वो कहते हैं कि हार्डवर्क और ऑनेस्टी उनके पॉपुलैरिटी का रीजन रही है। किसी भी कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते टाइम वो कोशिश करते हैं कि उस कैरेक्टर में और डायमेंशंस ऐड करके उसे और अपीलिंग बना पाए और इसीलिए वो मूवीज में रश करने से ज्यादा सब्सटेंशियल वर्क करना प्रेफर करते हैं और जब तक कोई अच्छा ऑफर नहीं मिलता वो टीवी से ही जुड़े रहना चाहते हैं। अपने पहले शो करने के बाद परम को इतनी पॉपुलैरिटी भी नहीं मिली थी, पर साडा हक शो में काम करने के बाद उनके करियर ने टेरिफिक टर्न लिया और वैरायटी रोल्स वो अपनी करियर लाइफ में निभा चुके हैं। जी टीवी के शो हैवान और गुलाम शो में भी उन्होंने ऐसे ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स निभाए हैं। परम मानते हैं कि वो इंटेंस कैरेक्टर्स काफी अच्छे से निभा पाते हैं। करियर की स्टार्टिंग में परम को डेली सोप्स करने का मन नहीं था, पर गुलाम शो मिलने के बाद उन्होंने नेवर से नेवर आइडियोलॉजी पकड़ ली और अब वो रियलिटी शोज के ऑफर भी मिल जाए तो वो उसमें भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। उनके शो गुलाम में उनका कैरेक्टर काफी रिग्रेसिव था और इसी वजह से काफी लोग उसे कोयला मूवी के शाहरुख खान के कैरेक्टर से कंपेयर भी करते थे, पर परम को वो रोल वैसा कभी नहीं लगा। रिसेंटली परम इश्क पर जोर नहीं शो में नजर आ रहे हैं जिसमें वो अहान मल्होत्रा का रोल प्ले कर रहे हैं। पर जहां अहान लाइफ को लेकर ट्रेडिशनल आउटलुक रखता है, वही परम का लाइफ को लेकर लिबरल और मॉडर्न आउटलुक रहा है और दोनों के शादी को लेकर भी व्यूज कंपेयर किया जाए तो रियलिटी में परम अहान से टोटली अपोजिट व्यूज रखते हैं। फिलहाल वो शादी या रिलेशनशिप को लेकर सेटल होने के लिए इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि रिलेशनशिप काफी टाइम और नर्चरिंग चाहती है और प्रेजेंटली उनका पूरा फोकस अपने करियर और वर्क पर है। वैसे साडा हक में उनकी को स्टार रही हर्षिता गौर के साथ वो अपनी रिलेशनशिप एक्सेप्ट कर चुके थे और ये बात पब्लिकली एक्सेप्ट भी की थी कि वो मोर देन फ्रेंड्स का रिश्ता रखते हैं। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि इनिशियली वो बस गुड फ्रेंड्स थे, पर जब भी कोई और मैन हर्षिता को अटेंशन देता था तो मुझे जेलसी होती थी और तभी से मुझे रियलाइज हुआ कि हम मोर देन फ्रेंड्स हैं। पर कुछ ही टाइम बाद उन्होंने अपने रिलेशनशिप से डिनाई कर दिया और अपेरेंटली ये कन्फर्मेशन दे दी कि उनका ब्रेकअप हो चुका है। लास्टली परम सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते जिसका उनके फैंस को तो लगता है, पर परम कहते हैं कि उन्हें इतना वक्त नहीं मिलता और ना ही उन्हें समझ आता है कि सोशल मीडिया पर वो क्या पोस्ट करें, पर फिर भी वो कोशिश करते हैं कि इंस्टाग्राम पर कुछ तो डाल सके। परम अपने फ्री टाइम में स्पेनिश जैसी न्यू लैंग्वेजेस सीखने पर ज्यादा फोकस करते हैं, साथ ही उनको एक बात का रिग्रेट रहता है कि वो अपने काम की वजह से करंट अफेयर्स पर ध्यान नहीं दे पाते और जब भी फ्रेंड्स आपस में कुछ करंट रिलेटेड बातें करते हैं तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता और वो डम फील करते हैं और वो अपनी इसी हैबिट को सुधारना चाहते हैं। तो ये थी एक छोटी सी लाइफ स्टोरी परम सिंह
बच्चों की लाइफ से। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।